हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे एक नया पब्लिशर का न्यूली पब्लिश्ड कॉमिक्स रिव्यू, विक्रम वेताल चैप्टर 1-3, ब्रॉट टू अस बाय वृंद कवि। सो गाइस, आज हम करेंगे इन तीनों चैप्टर्स का रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, तीनों चैप्टर्स आ चुका है मेरे पास। ये रहा चैप्टर 1, ये रहा चैप्टर 2 एंड हियर इज चैप्टर 3। सो आई रिसेंटली गॉट दिस डिलीवर्ड टू मी वाया वृंद कवि एंड दे हैव सेंट मी दिस पर्सनलाइज्ड नोट एज वेल, व्हिच वाज वेरी स्वीट। सो थैंक्स अ लॉट एंड लेट्स कीप दिस फॉर्मेलिटीज असाइड एंड लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। सो गाइज, जैसे कि द नेम सजेस्ट, इट इज द स्टोरी ऑफ विक्रम एंड वेताल। तो शिवदास जी का लिखा गया वेताल पंचविंशति से जो कहानियां था उन्हीं को अडॉप्ट किया गया है एक कॉमिक बुक फॉर्मेट में। बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कॉमिक्स? वेल, द स्पेशल थिंग इज कि यहाँ का जो अप्रोच है वृंद कवि का वो थोड़ा हटके है। ये एक कलर्ड मांगा वाला आर्ट स्टाइल में ड्रॉ किया गया है, बट ये एक टिपिकल मांगा नहीं है। एज आई सेड, इट इज कलर्ड एंड यू विल बी रीडिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइक अ नॉर्मल बुक, अनलाइक मांगास। सो इट टर्न्स आउट टू बी अ कल्मिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इंडियन फोक टेल्स प्लस मांगा स्टाइल। सो आई नो आप थोड़ा उत्सुक हो रहे होंगे इसके इनसाइड आर्टवर्क देखने के लिए, जस्ट टू फिगर आउट कि हाउ मांगा इट इज, एंड आई विल बी शोइंग इट टू यू इन अ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 ओनली। सो गाइस, ये रहा फ्रंट कवर। कवर आर्ट आप देख सकते हैं, एक सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का कोशिश किया गया है और जो क्रिप्स एंड क्रेविसेस है उसी के थ्रू थोड़ा डिफरेंस और कलर थीम में थोड़ा डिफरेंस ला के चैप्टर्स को डिफरेंशिएट किया गया है। सो ये जो पहला इशू है, इट फोकस ऑन द डायनामिक्स ऑफ विक्रम एंड वेताल। सो अगर आप में से किसी को नहीं पता होगा तो आपको बता देता हूँ कि ड्यू टू सम अनफॉर्सिन इवेंट्स, राजा विक्रमादित्य हैज बीन असाइंड द टास्क कि उनको वेताल को लाना पड़ेगा एक साधु के पास। सो वेताल इज दिस कॉर्प्स हैंगिंग बाय द बैक ऑफ राजा विक्रमादित्य। बट विक्रम जब वेताल को लेके आ रहा होता है, वेताल सडनली अवेकेंस एंड ही स्टार्ट्स नैरेटिंग अ स्टोरी। और ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट रहता है बिकॉज एंड में एक सवाल पूछा जाता है कहानी से, और राजा जी बहुत ही नॉलेजेबल है एंड ही इज वेरी कनिंग, सो उस सवाल का आंसर राजा जी दे देते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि विक्रम जब बोलना स्टार्ट करता है उसके बाद कॉर्प्स चला जाता है वापस पेड़ पर लटकने, उसको वापस लाने जाना पड़ता है। और इसमें और एक प्रॉब्लम ये एड ऑन हुआ कि अगर जो सवाल वेताल पूछेगा उस सवाल का जवाब अगर विक्रम जानते हुए भी ना देंगे तो वेताल विक्रम का सर का 1000 टुकड़ा कर देगा। अब आप इस डायलेमा को समझिए, पहले क्या प्रॉब्लम था कि द मोमेंट विक्रम स्टार्ट स्पीकिंग टू द कॉप्स फ्लाइज बैक। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर विक्रम चुप भी रहता है आंसर जानते हुए भी, बिकॉज वेताल तो वो कहानी बताएगा, वेताल वो सवाल भी पूछेगा, सो अगर वो जवाब ना देते हैं तो उसका सर का भी चिथड़ा उड़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कैसे वो अपना इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे उस कॉप्स को उस साधु बाबा के पास तक लेके आ पाएगा, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा विक्रम वेताल। सो पहला इशू में बस फाउंडेशन और डायनामिक्स सेट होता है कि हाउ एवरीथिंग विल वर्क आउट, एंड दूसरा चैप्टर से शुरू होता है एक एक कहानी जो वेताल बताता जाता है विक्रम को। सो यहाँ पर एक कहानी है, उस कहानी के अंत में वेताल एक सवाल पूछता है, उस सवाल का जवाब विक्रम दे देते हैं, एंड व्हेन विक्रम फिनिशेस आंसरिंग हिज क्वेश्चन वेताल वापस भागकर उस पेड़ पर लटक जाता है जहाँ से विक्रम को वापस जाकर उस पेड़ से उस कॉप्स को यानी कि वेताल को अपने कंधे पर लेके फिर से जर्नी को रिस्टार्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पर एक वैसा कहानी है, यहाँ पर फिर से द सेम थिंग रिपीट्स, वेताल को वापस जाके लाता है, वेताल एक नया कहानी शुरू करता है, एक नया सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब विक्रम बहुत सूझबूझ से दे देते हैं और वापस वेताल चला जाता है। सो ऐसे टोटल 10 चैप्टर्स वृंद कवि निकालेंगे। सो देयर इज दिस फाउंडेशन प्लस 9 स्टोरीज नैरेटेड बाय वेताल टू विक्रम। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिएटर्स। सो हियर दे आर द अमेजिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड पुटिंग दिस अमेजिंग कंटेंट आउट, एंड नाउ इट्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि आर्टवर्क कैसा है दोस्तों। सो हियर यू गो, एक सिंप्लिसिटी मेंटेन किया गया है, बहुत क्लीन एंड क्रिस्प आर्टवर्क है, कलर्स भी बहुत सूदिंग है, नथिंग हैज बीन ओवर डन, एंड या हियर इज द डायनामिक्स बिटवीन विक्रम एंड वेताल प्लेइंग आउट। सो या कैन अंडरस्टैंड राइट। सो 32 पेजेस ईच एंड प्राइस ऑफ 199 rupees पर चैप्टर। Here is the second chapter. So, ये कहानी है जो वेताल विक्रम को नैरेट कर रहा है और कहानी के अंत में किया जाएगा एक सवाल, अगर विक्रम सवाल का जवाब जानते हुए भी ना देते हैं तो महाराज का सर कुचल देगा वेताल। सो विक्रम जवाब दे देता है
वेताल भाग जाता है वापस. सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ये भी 32 पेजेस का है फॉर MRP ऑफ ₹199 एंड इट इज द थर्ड चैप्टर. एंड फिलहाल ये तीन चैप्टर ही पब्लिश हुआ है. सो दिस इज द सेकेंड स्टोरी नैरेटेड बाय वेताल टू विक्रम. कहानी होता है खत्म. फिर पूछा जाता है सवाल. एंड आई लव द एक्सप्रेशन ऑफ वेताल हियर. इट्स हिलेरियस. एंड द सेम साइकिल रिपीट्स अगेन एंड अगेन. सो या फिलहाल ये तीन चैप्टर्स पब्लिश हुआ है. एंड लेट मी टेल यू हाउ दे आर वर्किंग राइट नाउ. सो नवंबर 11 को ऑफिशियली ये फर्स्ट चैप्टर को रिलीज किया जाएगा. अभी प्री ऑर्डर्स चल रहा है. प्री ऑर्डर्स के चलते अगर कोई इन तीनों को ऑर्डर करता है और ये तीनों को तीनों उनको मिल जाएगा और नवंबर 11th. बट जो लोग एक एक करके खरीदेंगे उनको नवंबर 11th में चैप्टर 1 खरीदने को मिलेगा. उसके 2 वीक्स बाद यानी कि बाय द एंड ऑफ नवंबर उनको चैप्टर 2 मिलेगा. उसके 2 वीक्स बाद यानी कि अर्ली दिसंबर में उनको चैप्टर 3 मिलेगा. एंड बाय लेट दिसंबर चैप्टर 4 भी रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ दे थिंकिंग ऑपरेटिंग राइट नाउ. एंड आई काइंड ऑफ रेस्पेक्ट इट बिकॉज US में भी ऐसा ही होता है कि बाई वीकली ही एक एक इशू को निकाला जाता है. सो दे आर फॉलोइंग द सेम मॉडल्स ऑपरेंडी विच आई काइंड ऑफ एडमायर. इससे क्या होता है कि रीडर्स को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता है और उनको बैक टू बैक कंटेंट मिलता जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि यार तीनों का आप एक साथ ऑर्डर कर लीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. उससे विल रिसीव ऑल थ्री टुगेदर रादर देन बाइंग एक एक करके आफ्टर यू नो एवरी कपल ऑफ वीक्स. फिर जब चैप्टर 4 ऑफिशियली रिलीज होगा तब जाके आप चैप्टर 4 खरीद सकते हैं. पर्सनली आई रियली एंजॉयड द स्टोरी. इट वॉज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प. तीनों को शायद आई थिंक 30 मिनट्स में ही खत्म कर चुका था मैं. इट्स वेरी यू नो एडिक्टिव. यू विल बी हुक्ड ऑन टू इट. एंड इट्स एन एब्सोल्यूट पेज टर्नर. बचपन का दिन पूरा याद आ गया. मांगा वाला तड़का भी मुझे मस्त लगा है. देयर इज एन एलिगेंस इन दिस सिंप्लिसिटी. कुछ भी ओवरडन नहीं किया गया है. एंड आई रियली लव्ड द आर्ट स्टाइल. डिटेलिंग्स या यू नो बहुत वाइब्रेंट कलर्स ये सब भी अच्छा लगता है. बट कभी कभी व्हेन द स्टोरीज आर लाइक दिस क्योंकि इंडियन फोक टेल्स है ये बेसिकली. सो दिस आर्ट स्टाइल रियली गोज वेल विथ इट. यहाँ पर कुछ ओवरडू करने का जरूरत है ही नहीं. सो या इट्स फाइन. सो गाइस स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 4 out of 5. 4 इसलिए बिकॉज द स्टोरीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम वेताल पंचविंशति एज आई सेड. सो यहाँ पर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का स्कोप नहीं था एज सच. बट द स्टोरीज आर प्रेजेंटेड इन अ वेरी नाइस फैशन. सो या 4 out of 5 फॉर स्टोरी टेलिंग. आर्ट के लिए भी मैं इसको 4 out of 5 दूंगा. आई लव्ड इट. इट वॉज प्रीटी गुड. एफर्टलेसली एक कलर्ड मांगा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है. उसको इन्फ्यूज किया गया है एक इंडियन फोक टेल के साथ. सो या एक अच्छा डिसेंट सा वाइब आ रहा था. सो स्टोरी के लिए 4 out of 5. आर्टवर्क के लिए भी 4 out of 5. इट गेट्स अ सॉलिड 8 out of 10 फ्रॉम नियो कॉमिक्स. सो या इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय मी. गो अहेड एंड ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट वृंद कवीज विक्रम वेताल चैप्टर 1 टू चैप्टर 3. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया. और अगर आया है तो कीजिए इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब. डू फॉलो वृंद कवि ऑन इंस्टाग्राम. मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली DM देम. और वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आपको इसका साइज को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर कर देता हूँ. सो ये रहा आप लोगों के लिए एक टीजर कि अगला वीडियो में क्या आने वाला है. सो या दिस इज एन US स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज वाला ट्रेड पेपरबैक वाला कॉमिक बुक. एंड एज कम्पेयर टू इट दिस इज द डायमेंशंस ऑफ विक्रम एंड वेताल. सो लेंथ में थोड़ा छोटा है हाइट में इधर और चौड़ाई में थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड US साइज्ड कॉमिक बुक्स. ए यू गो. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.